नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थनगर में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा समाज को जागरूक करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी और रोजगार दिया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज का अपमान किया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी दी। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में भागीदारी से वंचित रखा। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को मंत्री नहीं बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने रामाश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बनाया। सभी विश्वकर्मा बंधुओं को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर वोट करना होगा। भगवान विश्वकर्मा के पूजा का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और पूरे हिंदुस्तान में सभी जाति के लोग जिनके यहाँ लोहे लकड़ी तकनीकी कोई भी कारोबार होता है, जो हमारा विश्वकर्मा ही नहीं बल्कि अन्य बिरादरी लोग 17 तारीख को पूजा करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पूजा होती है, पॉलिटेक्निक में पूजा होती है, आईटीआई में पूजा होती है, वही आपके बाजार में गैरेज में काम करने वाला भी व्यक्ति, मोटरसाइकिल और गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है, फोटो लगाकर पूजा करता है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी से हमने छुट्टी घोषित कराने का काम किया था। आपकी पहचान बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान कर दिया, विश्वकर्मा समाज का अपमान कर दिया। जो पहचान समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पहचान को मिटाने का काम कर दिया। विश्वकर्मा समाज के भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये बीजेपी आपकी पहचान मिटाने का काम कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिटाने का काम कर समाजवादी हमें आपने कहा। ये बैठे हुए विश्वकर्मा समाज के लोग जो गरीब लोग हैं, जिनका मकान नहीं, दुकान नहीं, जिनका रोजगार करने का कोई साधन नहीं, जिनका लोहे लकड़ी का कारोबार करने के लिए कोई साधन नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमने उनको ग्राम सभा की जमीन का पट्टा दिलाने का किया था। ये रविंद्र विश्वकर्मा है जिला अध्यक्ष है, उस समय हमारे लोगों से जो है हमारे लोगों को सिद्धार्थनगर में सैकड़ों लोगों को ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देने का काम किया गया था और बाकायदा बैंक से लोन लेकर के उनके कारोबार को चलाने का